Hello guys and girls, welcome back to Hyperword series. And in this series we are going to learn what are the topics, what are the files that we need to create a Hibernate project. In simple word, agar hum kahe to kya kya files hame lagne wale hain ek Hibernate normal project banane ke liye. Theek hai, even normal bol sakte hain, fir bade project bhi hum isi tarah se banate hain, to hum aise simple nahi bol sakte ki normal project. बट हम स्टार्टअप करने वाले हैं, शुरुआत जो करने वाले हैं एक बेसिक एप्लीकेशन से करते हैं ज्यादातर, क्योंकि लोगों को समझ में आए. इसका सबसे बड़ा रीजन यही कि हम छोटे छोटे चीजों को इसलिए पढ़ते हैं जिससे में छोटे छोटे कंपोनेंट से हम बड़ी चीजें बनाते हैं. उसी तरह से हम पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, देन हम आगे कुछ जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया हाइबरनेट के बारे में, मे बी तुम लोगों को शायद कुछ ना समझ में आया हो, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हाइबरनेट है क्या. हाइबरनेट का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था तो बीच में मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने सर्वलेट एंड जेएसपी का पहले वीडियो बनाने लगा था, तो मैं इसका काम थोड़ा सा बंद कर दिया था. क्योंकि हम सब जैसे कि जानते हैं कि अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हमें सर्वलेट एंड जेएसपी पहले आना चाहिए, देन हाइबरनेट के लिए जाना चाहिए, फिर किसी फ्रेमवर्क के लिए. इन द सेंस सबसे पहले टेक्नोलॉजी आना कंपल्सरी है, तभी हम कोई फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं. ओके, हमें तो आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइबरनेट नहीं फ्रेमवर्क एंड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है. टेक्नोलॉजी हमारा बेस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है. फ्रेमवर्क तो हम खाली लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके यूज करते हैं. अफकोर्स फ्रेमवर्क बहुत ही यूजफुल है, ज्यादातर कंपनीज में हम फ्रेमवर्क यूज करते रहते हैं, एंड कंपनीज ज्यादातर फ्रेमवर्क्स पे ही काम करते हैं. उनको अपना टाइम बचाना रहता है, उनको परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, उनको मेमोरी भी कम यूज होनी चाहिए, हर एक चीज उनको एक व्यवस्थित ढंग से चाहिए, इसलिए वो लोग ज्यादातर फ्रेमवर्क्स ही यूज करते हैं. लाइक जो जावा के फ्रेमवर्क्स है सबसे ज्यादा यूजफुल हमारे हाइबरनेट है, और उससे भी ज्यादा हमारा जो हाइबरनेट है वो क्या है, वो मॉडल पार्ट के लिए है. ऐसे स्ट्रट्स जो है हमारा, शायद पता होगा आपको स्ट्रट्स हमारा किस पार्ट के लिए है, हमारा कंट्रोलर एंड हमारा व्यू पार्ट के लिए हमारा स्ट्रट्स है. बट जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी फ्रेमवर्क है, ज्यादातर फ्रेमवर्क हमारे एमवीसी पैटर्न पे ही चलते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर पे ही चलते हैं. तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी एमवीसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर पे काम करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम कोई भी चीज एक बार में ओवरव्यू अगर देख रहे हैं तो मुझे वो समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में कौन सा फाइल क्या काम करता है, यानी कंट्रोलर क्या काम करने वाला है, व्यू क्या काम करता है, एंड हमारा मॉडल पार्ट क्या करने वाला है. जैसे कि हम लोग पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया है एमवीसी के बारे में, बट मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं. जैसे कि हमारा जो व्यू पार्ट है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है, वो ऑर्डर करता है किसी पेज के लिए, रिक्वेस्ट करता है हमारा सर्वर पे जब हमारा जाता है डेटा तो वहां पे एक कंट्रोलर होता है. कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को फेच करता है, यानी उसके अंदर जो भी डेटा होता है, अगर वो फॉर्म अज्यूम करें एक फॉर्म है, डेटा हम सेव कर रहे हैं डेटाबेस में, हमें सेव करना है. ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है कंट्रोलर, वो हमारा कोई भी सर्वलेट हो सकता है, कोई भी सर्वलेट, इवन हम जेएसपी को भी एक कंट्रोलर बना सकते हैं. बट अगर हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं जैसे कि हमारा स्ट्रट्स है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको हम और आसानी से और अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं. ठीक है, मतलब उसका रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, टाइम हम बचा सकते हैं. सेम चीज हाइबरनेट में, मेरा फर्स्ट पार्ट देखा हमने, कंट्रोलर के लिए हमें स्ट्रट्स यूज कर सकते हैं एंड व्यू के लिए भी हम स्ट्रट्स यूज कर सकते हैं. सेम पार्ट हम डेटाबेस में जो ऑपरेशन करने वाले, यानी डाओ क्लास, यानी मॉडल पार्ट में क्या क्या रहता है. जो हमारा फर्स्ट मॉडल पार्ट था उसमें खाली हमारा एक ही टाइप था. अभी जो सेकंड मॉडल हमारा एमवीसी पैटर्न आया है, फर्स्ट एमवीसी में मॉडल पार्ट में खाली एक ही चीज थी, हमारे बीन्स होते थे और थोड़ा सा लॉजिक लेयर एक में ही सब बना देते थे. बट अब जो न्यू मॉडल हमारा एमवीसी पैटर्न है, एमवीसी 2 बोलते हैं इसको, तो इसमें मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये तीनों एकदम अलग रहते हैं, ये तो कॉमन है. बट जो मॉडल है उसके अंदर भी हमने तीन पार्ट बना दिया, हमने नहीं एक्चुअली जो डेवलपर से उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज किया है. यानी मॉडल पार्ट में हम बीन्स को डालते हैं, सेकंड हमारा लॉजिक लेयर होता है, थर्ड हमारा डाओ होता है. डाओ क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, यानी हम डेटाबेस में जो ऑपरेशन करने वाले हैं लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी ऑपरेशन करने वाले हैं वो सब डाओ परफॉर्म करने वाला है. बट यहां पे ध्यान क्या देना है, अगर हमें कोई ऐसा ऑपरेशन करना है जो लॉजिकल हो, मे बी अगर हम किसी अकाउंट की बात करते हैं, डेटाबेस की
जैसे बैंक अकाउंट की बात करते हैं, अगर यूजर ने डेटा फर्स्ट टाइम गया, अकाउंट ओपन किया, डेटा मतलब इंसर्ट किया, इंसर्ट यानी कुछ डिपॉजिट किया, तो हमारा एज इट इज इंसर्ट का यानी हमारा क्रिएट अल्टर ड्रॉप ये सारी चीजें कमांड है। अगर हमें क्या करना है, पहले का डेटा जो उसके पास पड़ा है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज जो ब्याज वगैरह हम देते हैं वो सब निकाल के जो उसका बेनिफिट हो रहा है वो सारा ऑपरेशन करके देन हमें किसी एक पर्टिकुलर टेबल में स्टोर करना है। तो जो ऑपरेशन हो रहा है परसेंटेज निकालना, बाकी सारी चीजों को ऐड करना, जो भी लॉजिकल चीजें हो रही वो हमारा लॉजिक लेयर में आ जाता है। किसके अंदर? मॉडल के अंदर। एक लॉजिक लेयर, एक बीन क्लास तो हमें पता है कि जिसके अंदर हम डेटा वगैरह स्टोर करके रखते हैं, लाइक जितने हमारे डेटा होते हैं उतने वेरिएबल्स होते हैं और उतने सेटर गेटर मेथड्स होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट नहीं, हमें उसे एज अ प्राइवेट मेंशन करना पड़ता है जो कि हम सेटर गेटर मेथड के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं कहीं से भी। ओके, बट जो हमारा एक्चुअल लॉजिकल लेयर है वो हमारा लॉजिकल लेयर के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उनके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एंड हमारा जो एमवीसी में जो एक डाओ है वो तो मुझे पता अभी बताया मैंने, इंसर्ट अपडेट डिलीट, कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए हम डाओ क्लास बनाते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट उसका नेम ही है, ठीक है। और इस एमवीसी में हम कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, मे बी हाइबरनेट, हमारा स्टट्स 2 एंड हडूप। आजकल मार्केट में हडूप भी बहुत ही तेजी से चल रहा है, बूमिंग है एक्चुअली। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक हमने जो डेटा जो पहले के बिजनेस होते थे उसमें कम डेटा यूज होता था, थोड़े थोड़े डेटा होते थे। अभी जैसे जैसे हमारे ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहे हैं वैसे डेटा भी बढ़ते ही जा रहा है। अभी अज्यूम करो फ्लिपकार्ट का आप ले सकते हो, उनके पास जो करंट डेटा है वो कितने डेटा, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, एक बहुत बहुत बिग डेटा है। तो ऐसे बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हम हडूप के लिए जाते हैं, जबकि हाइबरनेट एंड हडूप, हाइबरनेट भी डेटा मेस से ऑपरेशन करता है। हाइबरनेट एंड हडूप का एक्चुअल पर्पज वही है, बट हडूप जो है हाइब्रिड से भी ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हडूप पे हम बड़े डेटा के साथ काम करते हैं, जबकि इवन हाइबरनेट के साथ भी बड़े डेटा के साथ काम करते हैं, बट हडूप उससे बेटर है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में। जब हम हडूप अगर फ्यूचर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आई होप समझ में आया है कि हमें हाइब्रिड के लिए क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बोल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट कि हम किसी भी टाइम पे अपना डेटाबेस को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी के थ्रू हम फायर कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेरी फायर होता है, यानी हाइब्रिड का खुद का क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे हम एचक्यूएल बोलते हैं। एंड और ऐसे बहुत सारे जो हमारे फीचर्स हैं वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले थे एक्चुअल हमारा मेन फंडा ये था कि हम एक नॉर्मल प्रोजेक्ट अगर बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या लगने वाला है वही देखने वाला था। एमवीसी के बीच में अगर हम देखने एमवीसी के बेस पे अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें लगने वाला है जेएसपी फाइल यानी व्यू, जो यूजर इंटरेक्ट करने वाला है, ठीक है। ऐसा अज्यूम करो कि यूजर ने एक फॉर्म फिल करना है जिसके अंदर मे बी 8, 10, 20, 25 कितने भी डेटा हो सकते हैं, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट किया, फॉर्म फिल किया, सबमिट किया, तो किसको पास जाएगा? सबसे पहले कंट्रोलर को जाएगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो रहता है। सबसे पहले व्यू ने इंटरेक्ट किया वो कंट्रोलर को जाएगा, जो हमने फाइल का नेम दिया है सर्वलेट फाइल। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले जेएसपी फाइल, देन सर्वलेट फाइल, देन हमारा सर्वलेट से बीन क्लास में जाता है जहां पे सेटर गेटर रहता है। बीन क्लास जितने भी हमारे वेरिएबल्स रहेंगे उतने उसके अंदर मेथड्स रहते हैं सेटर एंड गेटर। अभी हाइब्रिड का फंडा यहां से स्टार्ट होता है, जो इसके पहले था वो हमारा नॉर्मल जेडीबीसी में भी हो सकता है, मतलब बीन क्लास तक। जो यहां से मैप होने वाला है एक्सएमएल मैपिंग फाइल जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एचबीएम, यानी हमारा कोई भी एक्सएमएल का नेम डॉट एक्सटेंशन उसका एचबीएम है, वो क्या करने वाला है, जितना भी बीन क्लास के अंदर वेरिएबल्स है उसका वो एक्सएमएल में मैप करता है, सेम नेम के थ्रू एक्सएमएल में मैप करता है। और जो ये एक्सएमएल मैपिंग हो रही है ये फिर जाके हमारे एक और एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। ये सब हाइबरनेट का, ये दोनों पार्ट हाइबरनेट का है, जेडीबीसी में नहीं है। ये मैपिंग का एंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों पार्ट हमारा हाइबरनेट के लिए यूज होता है। जितना भी बीन क्लास के अंदर वेरिएबल्स था वो हमारे एक एक्सएमएल फाइल जिसे हम बोलते हैं एचबीएम डॉट एचबीएम फाइल के नेम से सेव करते हैं, उसके अंदर जाके मैप होता है। मैप होने का मतलब जितने वेरिएबल्स रहेंगे वन बाय वन उसका उसका एक्सएमएल फॉर्मेट में जाके वहां पे सिंटेक्स लिखते हैं हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है, बट अब इतना समझ लो कि जितने भी बीन के वेरिएबल्स रहेंगे वो सब एक्सएमएल में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, यानी जो भी डेटा हमारा बीन में रहेगा वो एक्सएमएल में अवेलेबल रहेगा। देन जो भी डेटा हमारा एक्सएमएल में अवेलेबल है उस सारे एक्सएमएल एक एक प्रोजेक्ट में मे बी 7-8 फॉर्म हो सकते हैं,
ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्म हो, मे बी 7-8 फॉर्म भी हो सकते हैं, मे बी एक ही डेटा के लिए हो, इससे भी इससे फर्क नहीं पड़ता कितने डेटा के लिए, मे बी कितने भी डेटा का हो सकता है। वो सारे फॉर्म्स हम बीन में कन्वर्ट करते हैं और हर वो सारे बीन्स के लिए हम एक सेपरेट HBM फाइल बना देते हैं। सेपरेट HBM फाइल मतलब हर बीन क्लास जितना रहेगा उतना हमारा XML फाइल बनेगा HBM के लिए, यानी हाइब्रिड मैपिंग के लिए, ठीक है। फिर वो मैपिंग फाइल को हम एक XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं, एक ही बनाते हैं। ऐसा अभी जो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है करंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन रहेगा एक्सटेंशन .cfg करके एक्सटेंशन रहेगा हमारा CFG, यानी हमारे हाइबरनेट का XML फाइल का एक्सटेंशन CFG रहेगा। तो जितने भी मैपिंग फाइल बनेंगे वो सब हम मैप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ठीक है। फिर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम DAO में उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, सीधा बोल सकते हैं कि हम उसको कॉल करेंगे XML फाइल को हमारे DAO क्लास में, ओके। सो यहाँ पे जो XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर वो सारी चीजें रहेंगी जो कनेक्शन से रिलेटेड है। यानी पहला चीज हमारा कनेक्शन के लिए डॉट क्लास फायर वगैरह लिखते थे हम JDBC में, वो सब नहीं यूज करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक बार मैप करना है और सारे जितने भी हमें कनेक्शन के लिए लगते हैं, और इवन डेटा का जो टेबल हम अभी तक ज्यादा JDBC के लिए हम एक टेबल में जाके डेटा का टेबल बनाते थे, देन उसके अंदर हम स्टोर करते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम XML में उस टेबल का नेम दे देते हैं, कनेक्शन नेम, सिस्टम नेम, पासवर्ड, वो सारी चीजें दे देते हैं, ऑटोमेटिकली वो टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैंने जैसे बोला DDL ऑपरेशन करने वाले हैं हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में, यानी हमारा जहां से प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं वहां से बात कर रहे थे, क्योंकि ये तो हमारा थर्ड लेक्चर हो गया बट अभी तक हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी लेंदी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मुझे सब कुछ एक्सप्लेन सही से करना होगा जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो मैं यहाँ पे जो XML CFG डॉट XML यानी XML नेम डॉट CFG कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर हमारा सबसे पहला चीज क्लास डॉट फॉर नेम की जगह हमारा URL रहेगा, देन हमारा टेबल का नेम, कनेक्शन का नेम, साथ साथ जितने भी मैपिंग फाइल्स है, कौन सा मैपिंग, HBM डॉट HBM वाला फाइल जो कि हमारे बीन से मैप्ड हुआ है, वो फाइल्स को हम पास कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जितने वेरिएबल्स हैं हमारे XML के अंदर, XML कौन सा, XML.HBM, XML name.HBM की बात कर रहा हूं, जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे, यानी जितने वेरिएबल्स यानी उतने कॉलम्स हमारे टेबल में बनाना था। तो हम JDBC के अंदर करते थे क्या था कि हम टेबल जाके बनाते थे उतने कॉलम्स बनाते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ जितने वेरिएबल्स हैं उस .HBM फाइल के अंदर उतने वेरिएबल्स हमारे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। जो हमारा बीन क्लास का नेम रहेगा वही बाय डिफॉल्ट हम नेम रख सकते हैं या फिर कुछ और भी रख सकते हैं, किसका, टेबल का। किस टेबल का बात कर रहा हूं मैं, जो हमारा एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होने वाला है। इसके पहले हम जो क्वेरी लिखते थे JDBC में कुछ इस तरह से लिखते कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, यहां पे ऐसा कोई भी क्वेरी याद करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा टेबल डेटाबेस में, और वो डेटाबेस में जितने बीन्स के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे उतने सारे कॉलम्स भी बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। सो ये जो XML mapping.hbm है वो सब हमारा CFG में आएगा, देन CFG को हम DAO में कॉल करेंगे। DAO का मैंने जैसे बताया पहले कि हमें डेटाबेस सेव करना है, वो सारी चीजें, तो हमें सिंपली क्या करना है, DAO के अंदर हमें इस XML को एक्टिव करने के लिए हमें DAO के अंदर एक बार कॉल करना पड़ता है। जैसे हम DAO के अंदर कॉल करेंगे हमारा वो सब XML फाइल वगैरह जो भी रहेगा एग्जीक्यूट होएगा 1x1 और हमारा सबका सब टेबल बन जाएगा, और टेबल बनने के बाद कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स बनने के बाद DAO के अंदर हमें पता है क्या रहता है, इंसर्ट, अपडेटेड, इंसर्ट में जो भी मेथड हम कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होएगा और हमारा डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो जाता है। कुछ इस तरह से हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है। तो यानी हमें टोटल कितने फाइल्स लगने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फाइल्स लगते हैं। दिखने में बड़ा है बट बहुत ही यूजफुल है, बहुत यूजफुल, बहुत पावरफुल है, इसे इग्नोर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, देख के भागने की जरूरत नहीं है, हम जब करेंगे तो ऑटोमेटिक एक एक चीज समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो ये 6 फाइल्स देख के भागने की जरूरत नहीं है, हाइबरनेट एक्चुअली यूजफुल है, जितना यूजफुल है उतना ही ज्यादा इजी है, इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत ही इजी है, मैं दिखाता हूं कैसे रहेगा। फिलहाल आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और हमें कितने फाइल्स लगने वाले हैं।
अगर आपको समझ में आया है तो आप पहले प्रोजेक्ट ओपन करिए किसी भी नाम से, और उसमें सबसे पहले एक जेएसपी फाइल बना लीजिए, एक कंट्रोलर फाइल बना लीजिए, कंट्रोलर का खुद का एक डिफरेंट पैकेज बनाओ बेटर रहेगा, बिन के लिए एक पोजो पैकेज बना लो, देन एक्सएमएल के लिए एक रिसोर्सेज करके एक नया पैकेज बना लो, एंड देन एक डाओ के लिए, टोटल चार पैकेज बनाओ, चारों के अंदर ये हमारी चीजें बना के रख लो बाय डिफॉल्ट। फिर हम ये इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो में इतना ही काफी है, काफी टाइम से मैं ये वीडियो बना रहा, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करूंगा। अभी तक मैंने मैपिंग वगैरह देख लिया और जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो नेटबीन्स में करने वाले हैं, नेटबीन्स में करने वाले हैं, और उसके लिए फिर हमें ग्लासफिश सर्वर बाय डिफॉल्ट रहता है नेटबीन्स में, तो हम ग्लासफिश सर्वर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नेटबीन्स में कैसे रहता है, बहुत सारे नेटबीन्स के यूज करने के फायदे भी है, और बाय डिफॉल्ट मैं नेटबीन्स पे ही ज्यादातर काम करता हूं, तो मैं नेटबीन्स में ही यहां पे आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। अगर आपको लगता है ये वीडियो सच में अगर यूजफुल है, अच्छा है, यही वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हाइब्रिड की बात कर रहा हूं, अगर आप इसे शेयर करोगे तो किसी और को भी शायद ये यूजफुल हो सकता है, आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हो सकता है उनको आप पास करोगे, उनके लिए यूजफुल होगा, वो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा प्रोत्साहन जिसे बोलते हैं हम एक साहस बढ़ेगा, मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। इवन मैं जनरल में जो करता हूँ हमारा टीचिंग का ही काम है, मैं एज अ टीचर इंस्टीट्यूट में टीचिंग करता हूँ, तो टाइम के हिसाब से मैं ये सब बनाता रहता हूँ, तो मैं अगर आप लोग जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मैं हमारा भी उस तरह से उत्साह बढ़ेगा और मैं वीडियोज बनाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि ये यूजलेस है तो मैं क्यों बनाऊंगा, सीधी बात है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट यानी शेयर वो सारी चीजें करो शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी बकवास हुई कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।